की लड़ाई को लेकर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप आपने देखे। राहुल गांधी ने भी अभी थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो यूपी की सीटों को लेकर उन्होंने जिक्र किया। राहुल गांधी साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा योगदान दिया है विपक्षी गठबंधन के इस नंबर गेम में। विपक्षी गठबंधन के जो नंबर्स हैं उसमें यूपी का एक बड़ा योगदान राहुल गांधी ने बताया। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूरों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, साजिश रची जा रही थी विपक्षी गठबंधन के खिलाफ में, लेकिन जनता ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। संविधान की प्रति भी राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ लेकर आए और उन्होंने बाकायदा ये बताया कि दरअसल इस संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। विपक्षी गठबंधन ने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी और जनता ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, विपक्षी गठबंधन का साथ संविधान बचाने की लड़ाई में दिया है। तो देखिए राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ और कहा, सुनाते हैं आपको। हम एक कोलिशन के भाग हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। नहीं देखिए, बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरी लाल ने हरा दिया, तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को ये बात समझ नहीं आई थी कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। हम एक कोलिशन के आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूंगा ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है, ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो और देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, जश्न की ये तस्वीरें। बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं बीजेपी दफ्तर में, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं।
दिल्ली बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी आप देखेंगे, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। गाजीपुर में अफजाल अंसारी ने भी जीत दर्ज कर ली है, क्या कुछ कहा समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतने के बाद, सुनाते हैं आपको। कि वो पार्टी जो इसे जनता ने खारिज कर दिया है, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहता है, जो 400 पार का नारा दे रहा है, उसके आवाज में आवाज मिला करके और 400 पार का सपना जो देश की जनता के सामने लाए, आज जनता का ये फैसला देखकर गाजीपुर की जीत अकेले कोई माने नहीं रखती। सबसे बड़ी जीत यह है कि समाजवादी पार्टी, जिसको 10 सीट देने को गोदी मीडिया तैयार नहीं थी, वो आज भारत की तीसरी सबसे बड़ी। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की जीत के बाद भी रिएक्शंस लगातार मिल रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनिए जरा। ये रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी खेमे से हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस खेमे से हो या बाकी दलों की हो, और लड्डू भी बनना शुरू हो गए हैं। कहीं पर मालाएं पहनाई जा रही हैं, कहीं लड्डू तैयार हो रहे हैं। और जालौर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी को हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की है, देखिए रिपोर्ट। जालौर में लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। 5 बार के सांसद भानु प्रताप वर्मा को हराकर एक बार फिर समाजवादी पार्टी के सांसद नारायण सहवार ने उनको हराया है और विजय हुए हैं। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ वर्तमान जो निर्वाचित जो है सांसद वो मौजूद है, बात कर लेते हैं। नारायण जी, आपको बहुत बहुत बधाई इंडिया न्यूज की तरफ से, क्या लगता है वो किस तरीके से, कौन किन मुद्दों पर जो है वो आपने चुनाव जीता है? देखो, भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार बनी है, 10 साल लगभग हो गए और प्रदेश में भी उनकी सरकार है, तो लोगों से उन्होंने जो वादे किए थे वो अपने वादों पे खड़े नहीं उतरे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव का जो घोषणा पत्र है, इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए जो बात रखी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, लोग उससे प्रभावित हुए और हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ ये चुनाव लड़ा।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री भानु प्रताप वर्मा चुनाव हारे। पांच बार के सांसद हैं, वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, क्या जालौन की जनता, क्या उनसे उन्होंने यहाँ इतना विकास नहीं किया, क्या मुद्दे रहे, क्या कहीं ना कहीं कमी जो है वो रह गई? वो इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन कभी लोगों के बीच में नहीं गए। लोगों के बीच में न जाने के कारण लोगों में उनसे नाराजगी भी थी, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वादे थे उन्होंने वादे भी पूरे नहीं किए उनके नेताओं ने, इसलिए लोग नाराज थे, उसके कारण ही भानु प्रताप को वोट नहीं मिले। फिर आपसे अगला सवाल है कि जालौन के लिए अब क्या आपका पोर्टफोलियो रहेगा, किस तरीके से जो आप जालौन का विकास करेंगे? देखो, ये बुंदेलखंड का बहुत पिछड़ा इलाका है, ये समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे सिंचाई की समस्या हो, चाहे नौजवानों की बेरोजगार की समस्या हो, अच्छी शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, ये तमाम समस्याओं से ये जनपद जूझ रहा है। हमारा प्रयास होगा कि कम से कम इस क्षेत्र के लिए, लोकसभा क्षेत्र के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाए, अच्छी शिक्षा हो जाए, सस्ती शिक्षा हो जाए जिससे बच्चों को बाहर जाना ना पड़े, स्वास्थ्य के लिए देखते हैं कि आदमी बीमार हो जाता है तो बाहर भागना पड़ता है, अच्छे मेडिकल में अच्छे डॉक्टर आ जाएँ, सुस्वास्थ्य की सुविधाएँ हो जावे, और हम लोगों का किसानों के लिए जो किसानों की समस्याएँ होती हैं उनके लिए भी पूरा हमारा प्रयास होगा, फोकस होगा कि मजदूरी के लिए जो बाहर लोग जाते हैं अगर उन्हें यही रोजगार मिल जाए तो उन्हें बाहर ना भागना पड़ा, ये हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। लोकसभा के परिणाम जो है ज्यादातर आ चुके हैं, देखा जाए तो एनडीए और जो इंडिया गठबंधन है दोनों की सीटें जो है वर्तमान में, सरकार बनाने की कवायद जारी है, क्या लगता है कि सरकार कौन बनाए? लग रहा है कि निश्चित इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे, इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। हमसे बात करने के लिए, ये थे हमारे साथ नन्ना सरवार जो वर्तमान में सांसद निर्वाचित हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर जनता जो है वो परेशान थी, जो मुद्दे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, इसके अलावा सांसद का जनता के बीच में न जाना एक बड़ा फैक्टर रहा है। जालौन से इंडिया न्यूज के लिए मैं आशीष शिवहरे। चुनावी नतीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन भी आया है, और उन्होंने सोशल मीडिया पर ये रिएक्शन दिया, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। चुनावी नतीजों पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, जनता ने फिर से एनडीए पर भरोसा जताया है। चुनावी नतीजों पर प्रधानमंत्री का पोस्ट आया है, जनता ने फिर से एनडीए पर भरोसा जताया है, ये प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा। चुनावी नतीजों पर प्रधानमंत्री का रिएक्शन आया, और ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर ये रिएक्शन है प्रधानमंत्री का। तो देखिए, एक्स पर पोस्ट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये बताने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है कि एनडीए पर जनता ने भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, भारतीय जनता पार्टी दफ्तर की तस्वीरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं, क्योंकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं, और वहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस वक्त पहुंच गए हैं, और तस्वीर आप इस वक्त ये ताजा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है। अभी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री को भी आप यहां पर देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, और वो पोस्ट हमने आपको दिखाया प्रधानमंत्री का। अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं, और ये तस्वीर दिल्ली बीजेपी दफ्तर की है। तो दिल्ली बीजेपी ऑफिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में आने वाले हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां भी हो गई हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में नेता बीजेपी दफ्तर में दिल्ली में इस वक्त पहुंच गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद यहां पर आने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पहली प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री ने दी है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, कहा कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार विश्वास जताया है, उन्होंने इस आशीर्वाद के लिए, इस समर्थन के लिए कहा कि मैं अपने परिवारजनों को नमन करता हूं, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था
कि पूरा देश ही मेरा परिवार है। तो अब उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि जो नतीजा आया वो एनडीए के पक्ष में आया है, इसलिए अपने पारिवारिक जनों का मैं भरोसा जताने के लिए धन्यवाद करता हूँ। ये बातें अपने ट्वीट के जरिए, अपने एक्स पर पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री ने देश की जनता के सामने रखी है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अजय राय से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनिए जरा। 2024 के लोकसभा चुनाव के लगभग लगभग सभी सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। बनारस की बात की जाए तो बनारस में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीते हैं और उनके सामने इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय चुनाव लड़ रहे थे। महज 1,52,000 से वो चुनाव हारे हैं। इस बार बहुत ही मजबूती के साथ वो चुनाव लड़े। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर, सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा। आप 2-3 राउंड में लगातार प्रधानमंत्री को शिकत दिए, लेकिन उसके बाद नतीजा ये रहा कि आप चुनाव हारे, क्या कहना है? देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री और एक तरफ मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ, साधारण कांग्रेस का एक पार्टी का सिपाही हूँ। कॉरपोरेट, पूरा कॉरपोरेट लगी है, पूरे देश की सरकार लगी है, प्रदेश की सरकार लगी है, बनारस की सरकार लगी है, ट्रिपल इंजन सरकार है। मेयर इनका, सभासद इनके, प्रदेश में सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी। उसके बावजूद भी हम लोग पूरी ताकत के साथ आज लड़कर खड़े हैं और 1,52,000 से जीतने में पसीने छूट गए मोदी जी को, पसीना छोड़ दिया। शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तो पीछे रहे और निश्चित तौर से काशी की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। काशी की जनता का प्यार, साथ, स्नेह हमको मिला है। निश्चित तौर से हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और काशी की जनता का प्यार है। मोदी जी पिछली बार 5 लाख से चुनाव जीते थे, 1,52,000 पे आ गए, ये उनकी नैतिक हार है, हम लोग की नैतिक जीत है। और मैं लगातार जो 14 से लड़ा, आप 14 देखिए, मैं दुगुना मैंने 19 में किया। मैंने कहा था ना कि 19 में दुगुना है, आप अब उसको देख लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा कि इसका दुगुना से 2.5 गुना मैं पाऊंगा।
और जो 1,52,000 पाया अब उसको सोच देख लीजिए इस बार 4,60,000 पाया मैं, तो निश्चित तौर से जनता का स्नेह प्यार आशीर्वाद मेरे साथ खड़ा है और जनता ने जो मुझे प्यार आशीर्वाद दिया है वो जीवन पर्यंत मैं आभारी रहूंगा और जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा काशी की जनता का, उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा था और मरते दम तक उनके साथ खड़ा रहूंगा। अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत ही मजबूती के साथ इस बार जो परफॉर्मेंस रहा है इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में, लगभग आधी सीटों पर ज़्यादा आप लोगों ने जीत दर्ज की है, जिस तरह से कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि 80 में 80, इसे किस तरह से देखते हैं? झूठी बात है यार, आप देखो 80 में 80, 400 पार, 10 लाख पार, जो मन में आया बोल दिया, तो ये जनता ने दिखा दिया कि सब कुछ झूठे लोग, ये झूठी बात, इनको जनता ने प्रधानमंत्री पद से निश्चित इनको हटना चाहिए क्योंकि ये प्रधानमंत्री के लिए मैंडेट नहीं दिया, ये मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर इनको गुजरात जाना चाहिए वहाँ जाकर, और या फिर जाकर समुद्र के किनारे बैठ के वहाँ पर अपना प्रायश्चित करें। एक आखिरी सवाल ये कि क्या गठबंधन सरकार बनाने की प्रयास करेगी? निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इंडिया गठबंधन के लोग आगे बढ़कर सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय, जिनका साफ कहना कि बहुत ही मजबूती के साथ हमने 2024 के लोकसभा चुनाव लड़े हैं, ये बनारस की जनता का आशीर्वाद और प्यार कहा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे एक बड़ी खबर की। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दिल्ली जाएंगे, ये बड़ी खबर मिल रही है। इंडिया गठबंधन ने अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करेंगे अखिलेश यादव। कल इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दिल्ली जाएंगे, ये बड़ी खबर मिल रही है। इंडिया गठबंधन ने बड़ी जिम्मेदारी दी अखिलेश यादव को, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत वो करेंगे। किशोरी लाल शर्मा क्या कुछ नहीं, ये नहीं, मेरी एक कॉन्स्टेंसी रायबरेली पड़ती है, ठीक है, मैं वहाँ पे जो स्ट्रांग रूम था वो मैंने सील कराया था, तो मेरे को वहाँ जाके सील रूम स्ट्रांग रूम ओपन करना था, फिर मैं वहाँ 4 राउंड बैठ के उसके बाद आया इधर, तो मेरी कॉन्स्टेंसी का एक हिस्सा उधर भी है, तो इसलिए मेरे को पहले जाना, इधर मेरा इलेक्शन एजेंट था, उधर मैं था। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं सर, जो देश के एक तरह से पटल पर जो आंकड़े आए हैं वो कैसे देखते हैं, इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए? अभी सही पूछो तो मैंने टीवी देखा ही नहीं अभी, ठीक है, इसलिए मैं देखूंगा अभी जाके, थोड़ा बैठूंगा क्योंकि अंदर मोबाइल तो ले जाने नहीं देते हैं तो पता भी नहीं लगता है। धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। सहारनपुर से गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद ने 65,000 वोटों से लगभग जीत हासिल की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनिए आप। मुझे समर्थन और प्यार मिला और आपके लोग, आपके द्वारा, खास तौर से मीडिया द्वारा जो मेरी छवि को घड़ा गया था, उस छवि को तोड़ करके सहारनपुर के सभी हिंदू मुसलमान दलित भाइयों ने जिस तरह से मुझे वोट दिया, मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपको दिखाई तो दे रहा है, मुझे क्या कहने की जरूरत है, जनता ने बता दिया तो मैं क्या कहूँ। राम जी नाराज है, अयोध्या हार गए, हाँ आप समझ जाएंगे राम जी नाराज हैं। अरे लोगों का तो राम जी का तो 14वां हुआ, मेरा तो 17वां हुआ पूरा यार, अब के राम जी की कृपा बरसी तो यहाँ पहुँच गया मैं, अब देखो क्या होगा आगे। देखिए प्रियंका जी, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से नौजवान की, जिस प्रकार से किसान की, जिस प्रकार से महिलाओं की, इस प्रकार से छोटे व्यापारी की, इस प्रकार से कर्मचारियों की बात को करने का काम किया, उन्होंने समाज के हर वर्ग की बात को उठाने का काम किया, उसी का नतीजा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा सुनिए आप। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली है, उस सरकार ने गरीब कल्याण के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए अनेकों योजनाएं लाई, जिससे देश के अंदर अनेक परिवर्तन हुए, सभी वर्गों को आगे आने का अवसर मिला, उसी का परिणाम है कि एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल रहा है, सरकार बनने जा रही है। मैं देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर 5 सीटें, 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी को 5 कमल खिल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि जनता के लिए और देवभूमि जिस प्रकार से उनके हृदय में है, देवभूमि की जनता ने भी 5 सीटें यहाँ से जिताकर निश्चित रूप से अपना जो है जो इतिहास था
उसको फिर से दोहराया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व। तो उत्तराखंड की पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है और इसी जीत पर रिएक्शन दे रहे थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो पांच सीटें लोकसभा की उत्तराखंड में बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई है। हालांकि जो जीत उत्तराखंड में मिली सभी सीटों पर यूपी से जरूर बीजेपी के हाथ में निराशा हाथ लगी है। और अब से पहले आप रिएक्शन भी सुन रहे थे, गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन ने उनके भी रिएक्शन आ रहे हैं जो जीते हुए हैं, और साथ ही एनडीए गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं उनके रिएक्शन भी लगातार सामने आ रहे हैं अमेठी। और देखिए अनुराग शर्मा हमारे संवाददाता ने बीजेपी प्रत्याशी से बातचीत की, एक रिपोर्ट अब आपको हम दिखाते हैं। कांची ललितपुर सीट को भाजपा के अनुराग शर्मा ने जीत लिया है, ऐसे में हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं। अनुराग जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज की तरफ से आपको ढेरों बधाई। धन्यवाद सर। और क्या कहेंगे इस जीत के बारे में? ये जीत झांसी की जनता की है, आदरणीय मोदी जी की है, और सबसे ज्यादा मेरे जो लोग देवतुल कार्यकर्ता जिन्होंने इतने लंबे चुनाव में इतनी कड़ी गर्मी में इतनी मेहनत करी, हमारा संदेश लेकर घर घर गए और लोगों से आशीर्वाद भाजपा के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और मेरे लिए लिया, और लोगों ने भरपूर हम लोगों को स्नेह और सहयोग दिया है, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में काफ़ी लॉस हुआ है बीजेपी, खासतौर पर क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो अभी दिखता है रुझानों में, पर मुझे उम्मीद है कि कुछ कुछ सीटें अभी भी हमारी कम वोटों से हार रही हैं, अभी हम लोगों की गिनती बढ़ेगी। और ये है कि इस ठगबंधन ने जो हमारे लोगों को, उत्तर प्रदेश के भोले भाले लोगों को भ्रमित किया था, उसका लग रहा है कि कुछ ना कुछ नुकसान हम लोगों को पड़ा है। अच्छा, सबसे बढ़िया लाखी सवाल, और इंडिया गठबंधन जो है अपना दावा कर रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, इस पर देखिए ये तो संभव ही नहीं है। कांग्रेस की तो अभी तीन फिगर में भी नहीं पहुंची है, तो कांग्रेस तो ऑपोजिशन में है ही कहाँ, पहले तीन फिगर तो पहुंचो। चलिए, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अनुराग शर्मा, मौजूदा सांसद, जिन्होंने यहाँ पर लगभग 1,00,000 वोटों के साथ झांसी ललितपुर सीट को जीता है। झांसी से मनीष। तो अनुराग शर्मा, आप बीजेपी कैंडिडेट को सुन रहे थे, उन्होंने जीत हासिल कर ली है और हमारे संवाददाता मनीष उनसे खास बातचीत भी कर रहे थे। अब बुलंदशहर आपको लेकर चलते हैं, बीजेपी की कैंडिडेट भूला सिंह ने जीत के बाद क्या कुछ अपना रिएक्शन दिया है वो भी आपको सुनाते हैं। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के और अपने क्षेत्र के सभी सम्माननीय कार्यकर्ता बंधुओं को, सभी अपने मतदाताओं को बहुत बहुत उनका आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि पार्टी ने तीसरी बार मुझे यहाँ से मौका दिया, मुझ पर विश्वास जताया और हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की और यहाँ की जनता ने तीसरी बार उस विश्वास को अपनी मोहर लगाकर और मतदान कम होने के बावजूद भी, परसेंट कम होने के बावजूद भी इतनी प्रचंड बहुमत की जीत दी है। इसके लिए मैं अपनी क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। हमरा से सपा के नीरज ने जीत हासिल की है, सुनिए जरा क्या कुछ अपनी जीत के बाद वो रिएक्शन दे रहे हैं। महान जनता को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो पीडीए का नारा था, उस पीडीए की जीत हुई है, ये माननीय अखिलेश यादव जी की सोच की जीत हुई है। झूठे लोगों को जनता सिपक सबक सिखा रही पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश में उनका सफाया हुआ है, आपने देख लिया। अब झूठे लोग राज नहीं करेंगे, हमारे देश के अंदर अच्छे लोग आएंगे जो इस देश का भला करें, जनता का भला करें, गरीबों का भला करें, कल्याण करें गरीबों का, ऐसे लोग आएंगे, इसलिए जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आवला की महान जनता को। तो नीर